हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएड सेमेस्टर वन का पेपर फोर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। साथ में अगर आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के विद आंसर्स पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, विच इज़ अ पेड पीडीएफ। आप उसको भी वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन वन इज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ऑल्सो डिस्कस इट्स स्कोप और डिस्कस द एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। देखिए, स्कोप या एरियाज़ में से कोई एक चीज़ पूछेगा और साथ में कॉन्सेप्ट, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर ये पूछ सकता है। आपको पता होगा नेचर, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स ये सब सेम होता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से आपको हर तीनों टॉपिक के लिए नहीं पढ़ना पड़ता है। नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर सेम बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू इज़ राइट इन डिटेल अबाउट द सोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। थर्ड इज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। देखिए, इसका क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी आता है और हो सकता है क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आ जाए, यानी कि आपको एक टेबल दे दे और उसमें प्रॉपरली परसेंटाइल रैंक निकालने को बोल दे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का भी अगर आप प्लान करें, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट अच्छा है, तो आप परसेंटाइल रैंक को जो है निकालना सीख ले, वो क्वेश्चन कर देना। अदरवाइज चॉइस में जो थ्योरी का क्वेश्चन होगा स्टैटिस्टिक्स से, वो कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर इज़ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशंस एंड कंप्यूटेशन इन डिटेल। देखिए, 16 मार्क्स में क्वेश्चन इसी तरह से आता है, पर कई बार इसको 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें सिर्फ पूछेगा कि शॉर्ट नोट्स लिखना है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ एक्सप्लेन अबाउट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दैट इज़ एनपीसी। डिस्कस अबाउट स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस ऑल्सो। इस पर वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, राइट इट्स टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल और डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन इट्स फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर सेवन, वट इज़ रिसर्च प्रपोजल, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स सॉरी स्टेप्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल को सिनॉप्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड इसके लिए वैसे रिसर्च प्रपोजल ही है, तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या स्टेप्स है प्रिपरेशन के, वो सब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन मोड मीडियन। देखिए, इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी बोला जाता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी हो या मीन मोड मीडियन, तो डोंट गेट कन्फ्यूज। डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन ईच ऑफ देम कैन बी कंप्यूटेड और डिस्कस इट्स मेरिट्स। दोनों में से एक चीज़ पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा कि आप इसका कंप्यूटेशन बताओ, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, या इसके मेरिट्स बताओ। देखिए, हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन ना पूछ के या थ्योरी क्वेश्चन के साथ मिक्स करके स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि एक टेबल देगा और उसमें आपको उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मेन मोड मीडियन निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में, ठीक है, दो चॉइसेस आपको मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आएगा थ्योरी पार्ट, एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपरली सॉल्व करके करने वाला। तो जिनका मैथ्स अच्छा है, जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट में अच्छे हैं, वो स्टूडेंट सॉल्व करने वाला कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम की बचत होती है आपकी। और अगर आपका थ्योरी पार्ट अच्छा है, मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो वो क्वेश्चन स्किप करके आप थ्योरी वाला करिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च विद एग्जांपल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ना पूछे और 16 मार्क्स में किसी एक के बारे में ही पूछ ले, ऐसे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। सो मेक श्योर आप दोनों के बारे में जो है अच्छा खासा कंटेंट लर्न करें। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज। देखिए, सैम्पलिंग का क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग पूछ लेगा या टाइप्स पूछ लेगा या सोर्सेज पूछ लेगा 4 में भी, ठीक है। कंबाइंड क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आपको 16 मार्क्स में देखने को मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड थ्रो लाइट ऑन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंटिफिक मेथड इज़ वेरी पॉपुलर मेथड, तो इस पे क्वेश्चन रिसर्च पेपर में आपके पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी. हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे साथ में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सॉल्व करके दिखाओ, या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है यही पूछ ले, राइट. सो अगेन वही रहेगा, एक क्वेश्चन थ्योरी का आएगा, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करने को आएगा स्टैटिस्टिक्स पे. सो जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं. देखिए जितने भी 12 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग थे, बट ऐसा नहीं है सिर्फ 16 में आएंगे, यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं. लेकिन कुछ क्वेश्चन जो स्पेशली आपके 4 मार्क्स में ही आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 में हमने डिस्कस किए हैं. मेन मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये 4 या 8 मार्क्स दोनों में आ जाता है, मतलब 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन ए और बी पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है. सो इसको आप 8 मार्क्स के हिसाब से करिएगा. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, देन मीनिंग ऑफ पार्शियल कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्शन रिसर्च, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रैंक डिफरेंस कोरिलेशन. ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में जो है प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, एंड आपको नोट्स चाहिए या इनका सॉल्व पेपर PDF चाहिए, मतलब सॉल्व ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वाला PDF, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. अदरवाइज आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन WhatsApp, एंड डेफिनेटली आर टीम इज़ गोइंग टू रिप्लाई यू. इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. आपके एग्ज़ाम्स में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने आपको कितना हेल्प किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.